कहाँ गया जो कोचिस कम अंगूर इसे फोटो तुझी ले ले तो सही ठीक मैडम आओ मैडम चलो मैडम चलो 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 फटाफट फटाफट चलो बॉयज कम बॉयज उधर से आओ पीछे से लड़की लोग आते हैं सब लड़की आ जाओ पीछे डालो टी शर्ट जिनको मिल गया चलो फटाफट थोड़ा आगे हो तो थोड़ा फोटो देखो ले लो चलिए इनको लो फटाफट थोड़ा थोड़ा देख के ठीक कर रहे लड़की अरे वही आधा दूरा काम तुम लोग छोटे छोटे वाले गर्ल्स भी तो छोटे लड़के ऊपर करके लेना तो वो भी आ जाएगा क्या बोलते थे ऊपर से बिना रहा आ गया बिना रहा ना बिना रहा है हाँ हाँ स्माइल ले ये अभी 12 मई से 16 मई उड़ीसा भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सब जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चे जो हैं अभी लगातार 1 मई से कैंप चल रहा था इन लोगों का। इसी कैंप के दौरान इन लोगों का राज्य की टीम का सिलेक्शन किया गया और ये बच्चों को आज टी शर्ट बांटा जा रहा है। ये बच्चे कल उड़ीसा के लिए रवाना होंगे राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खेलने। हम लोग भुवनेश्वर अभी खेलने जा रहे हैं। पिछले बार हम लोग मणिपुर गए थे जिसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल लगा। इस बार हम लोग गोल्ड मेडल के उम्मीद से जा रहे हैं और बहुत मेहनत से खेलेंगे। नाम बता दो। मेरा नाम अश्मिका सिंह है और हम लोग छत्तीसगढ़ टीम से हैं। हम लोग भुवनेश्वर जा रहे हैं मेडल लगाने खेलने बेसबॉल। क्या करोगे वहाँ क्या उम्मीद लेके जा रहे हो क्या करोगे? मेडल लगाने गोल्ड मेडल। भुवनेश्वर जा रहे हैं जो कि हम लोग बेसबॉल खेलने जा रहे हैं। अपने अच्छे मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से मेडल लगने का बहुत चांस है इसलिए जा रहे हैं। थोड़ा मेडल लग जाए तो ठीक है। नाम अंकित राठौर। रोल है बताएं किस तरह की टीम जा
ये अभी भुवनेश्वर में सब जूनियर नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है, उड़ीसा बेसबॉल इसे ऑर्गेनाइज कर रही है। 1 तारीख से हम लोगों ने यहाँ कैंप लगाया था जिसपे बच्चों के फिजिकल फिटनेस और स्टेमिना, हिटिंग, पिचिंग इस पर बहुत ध्यान दिया गया है, जो कि पिछले गत वर्ष हम लोगों ने मणिपुर पे ब्रॉन्ज मेडल था दोनों ही टीमों का, तो इस बार हम उम्मीद से जा रहे हैं कि गोल्ड मेडल ही लेके आएंगे वहाँ से।